हम लोग फटाफट खेल को शुरू कर पाएंगे। फोटो साथ करेंगे जर्सी चितान शांति बॉज साक्षी फुटबॉल टीम पोटी उत्तर पोटे मिस्टीएफसी सरायकेला फुटबॉल टीम और दक्षिण पोटे शांति बॉज साक्षी बहुत अच्छी बैटिंग टावर के द्वारा मौका अवन गवाते हुए पिछली मैच में हालांकि अमन ने गजब का गोल मारे थे लेकिन समर्थता का शान से मौका को हाथ से गवाए। निश्चित से टीम के मैनेजर अपना नाम को तो नहीं लिखे जिसे तो मैं मैनेजर का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। शांति बॉज साक्षी टीम की अगर बात की जाए तो शंकर मुक्ति टीम को सजा कर मैदान में जा रहे हैं। बस आराम कर ले भैया, वाह हां हां मौका आज चलिए अनुभव की कमी बलराम पत्थर राज जो मैच पोजिशन में आते बोल पाकर बलराम के लिए देते तो बेहतर होता। सिलेक्शन मैच में या बड़ी टीम में एक प्यास से अगर इससे का मोमेंट आप गवाएंगे तो बड़ी टीम में जगह बना दिक्कत हो जाता है और सिलेक्शन मैच में सिलेक्शन होना दिक्कत हो जाता है। अमन को दबाव डाले अच्छी कटिंग कटिंग शानदार शॉट लेकिन जगन्नाथ माझी का शानदार बचाव कमाल का कोशिश था पर नौ के खिलाड़ी सचिन सामत का सचिन खेल के जगत में एक लक्की नाम माना जाता है। चलिए एक फुटबॉल मैदान में आता है दर्शक या कमेटी के सदस्य बॉल को पकड़ लिए बहुत अच्छी बॉल को गेज किए निश्चित तौर पर आप प्रैक्टिस कीजिए आने वाले समय में बेहतर गोलकीपर आप बन सकते हैं। अमित का शानदार बॉल निश्चित से सरायकेला टीम की तरफ बात की जाए तो युवा खड़ी डीजे सात नंबर की खड़ी बहुत ही अच्छे फॉर्म में चले इन फॉर्म प्लेयर है टीम में सात नंबर के युवा खड़ी इनकी तरफ बात कीजिए सूरज महतो कमाल का खेल को खेलते हैं। शांति बॉज साक्षी टीम के लिए जहां तक बात की जाए मिडफील्ड में नजर आ रहे हैं चेतन हासदा जो टीएफए का प्रोडक्ट है जीएफसी में भी इनको दो साल का ट्रेनिंग मिल चुका है। चेतन हासदा बोलते चिंता हुआ मैं पहले बता चुका हूं ये टीएफए का प्रोडक्ट है। मनोज महतो बिंदास का प्रणाम का ये प्रोडक्ट है तीन नंबर का मैच के लिए पूरी तरह रेडी हो समय रहेंगे। आप दोनों संबंधित दल है यंग स्टार एफसी असम में करेंगे मयूरभंज एक्सप्रेस आप पूरी तरह रेडी हो समय रहेंगे। रब्बानी काफी आगे से थ्रो लेना था बाहर के होसल से ग्राउंड की खाड़ी का दिक्कत ना हो तो सब लोग इस बात पर भी ध्यान देंगे। विजय बेहतरीन निहा पाटिया टेक्निक अपनाता तो बार बार यहाँ पर चेतन छीनने में कामयाब होता हुआ टावर सही जगह पर बोल पहुंचा नंबर कम रहा से चेतन हासदा बलराम को बोल डालना था लेकिन बलराम बोल को समझ नहीं पाए। अच्छी टर्न अच्छी रिसीव यहाँ पर विजय के द्वारा फिर से लिबर्टी अगले बॉल का डाला गया मौका बन सकते लेकिन अमित का चतुराई के बॉल को पीछे डाला गया यहाँ पर दिनेश हमराम के लिए अभी दिनेश खराब शॉट है पर खड़ी बहुत ही बेहतर फिनिशर के रूप में जाते हैं। झारखंड के साथ साथ ओडिशा में बड़े बड़े टूर्नामेंट और तहलका मचा चुके हैं। ये है टावर हमरम जो ओडिशा क्षेत्र के सरसना ब्लॉक के बड़े बड़े टूर्नामेंट में कायरा कोचा में लगते के टूर्नामेंट में भी ये मैन ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम पर चित्र का प्रतिभावन खड़ी है। रब्बानी बॉल को एट में भी घुमाना पड़ता है जिससे आपका स्किल फॉर्मेट डेवलप हो सकते हैं हो जाते हैं।
चलिए, यहाँ पर बॉल को डालने में दिनेश का कोई ज्यादा बड़ी चूक नहीं है। यहाँ पर बॉल को लेने के लिए चेतन सही जगह को कवरेंगे। बॉल एमरे चनबर कड़िया जैसे गलती दबाया कैंकर अमेरिका ने शांति घोष टीम ने चेतन होना ज्यादा दिन को भर गया। जगह पर बोल डाले राज्यों पर मनोहर मौजूदा बोल उनके लिए डालते तो बेहतर होता। एक खिलाड़ी को यह खपना पड़ता है कि आखिरकार कौन से जगह में बोल डालो जो मेरा टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले खिलाड़ी को यह ध्यान देना पड़ता है, अगर सामने में कोई खिलाड़ी है आपका गेपिंग है तो सामने वाले खिलाड़ी को डालना चाहिए। फिलहाल बड़े अच्छी तालमेल बन सकती है बर्थडे निश्चित के लिए कुमार के लिए अमन छोटे छोटे जारी बॉल का आउट कर दिया। डिफेंडर बना टीम के अटैकिंग खेल को खेलिया गोल लेके नपा नपा मोमेंट को बनाया मन करना मैं तो कभी गोल को बोल बन कर शांति भाई साक्षी टीम लेकिन मैं तो दोहरा था निश्चित से टीम निजे कब्जा रहे बॉल को होगा। टावर हेमरम लगे कटिंग ना गुरमुटो अब बोल करे करम का दे मेरा पानी पीछे जाना गणेश जो बाखट बीजे लगे बोल के नाम का अभी तो कटिंग कटिंग गणेश दस नंबर खाड़ी के तीसरे चेक बाउंड ने बाली लापाई इस बात पर थोड़ा संभव ध्यान नहीं है। फिलहाल छोर में बदलाव के बाद मैदान के उत्तरी छोर पर नजर आ रहे हैं शांति भोज साक्षी टीम के खिलाड़ी मैदान के दक्षिण छोर पर ये है मिश्री अच्छी सरायकला बॉल के साथ विजय आगे बढ़ता हुआ अच्छी शॉट लेकिन बेहतर ब्लॉक यहाँ पर मनोज महतो के द्वारा गोल हमने सोचा था ना मेरे को बॉल को किक लगाए हैं रब्बानी का अच्छे शॉट जम शानदार हेडर मनोहर यहाँ पर बॉल के साथ करता मनोहर एक ऐसा खिलाड़ी जिस टीम में जुड़ते हुए पूरा जी जान लगा देते हैं मैदान में काफी मेहनत करते हैं थक जाते हैं तो बोल मैदान से बाहर जाते हैं रेस्ट ले लेते हैं। दिनेश बॉल का बढ़ने का कोशिश में अलग बॉल बलराम पाकर अमान के लिए बॉल को डाले अभी भी अपन मौके की तलाश में अच्छे टेक्निक अपनाता हुआ बलराम बॉल को छीने में तो कामयाब रहा और आखिर कर पर मिस्टेक सिंह के कदमों में बॉल आ चुकी है। ईर्ष्या पर मौका मिस्टेक सिंह काका धीरे धीरे बॉल के साथ आगे बढ़ने का कोशिश में है छह नंबर के खिलाड़ी साथ को थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करता हुआ खुशी की बात है। अभी भी हमारे मंच में टीम आईसीसी के पदाधिकारी हमारी कमेटी मंच में पहुंच चुके मंचासन हो चुके हैं। मैं उनका हमारे कमेटी परिवार को से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एड्रेस करने का था ना तो प्रशासन विभाग खंड में
को सटे करना सनम को कपड़ा चमका था। सर आपको जानकारी बता दो, फिलहाल मैदान में सेकंड राउंड का मैच प्रगति पर है। मैदान को त्रिचौपट पेरोट कलर के जैसे जो है शांति को साफ से डिंग खिलाड़ी अपेक्षित चौपट व्हाइट ब्लू कॉम्बिनेशन के जैसे में तो ये है निश्चित से सरायकला। खेल में अब तक स्कोर नहीं है। चले इस बीच यहाँ पर आसमान को चुनता हुआ बॉल जमीन में टपक चुकी है। पुराने जमाने में लोग के लिए लाखों सौरे बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है। झारखंड के बड़े बड़े टीम के साथ साथ ओडिशा बंगाल के बड़े बड़े टीम से खेलते हैं। सिद्धू कानू फुल लगातार सा वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ी टीम उस टीम का ये प्रोडक्ट है जो आज शांति बस साक्ष टीम में जुड़े हैं। विजय मौके की तलाश में अब तक विजय बॉल को पुश कर दिया डिफेंडर और अच्छी क्लियरेंस से और जब अभी क्लियरेंस बहुत ही शानदार दिखाते हुए लाखो लाखो दो नंबर का मैच के लिए या दो नंबर का मैच के लिए खिलाड़ी तीन नंबर का मैच के लिए यंग स्टार एफसी और मयूरभंज दूसरे सेटिंग टेक्निकल जम आएंगे। अच्छी सोल लेकिन बेहतर बचाओ गोलकीपर सुनील टुडू के द्वारा। राजनगर प्रखंड के स्टार गोलकीपर के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा साल ऐसा हो रहा है लगातार कि जितने भी खिलाड़ी हमारे इस मैदान में खेलते हैं प्रखंड स्तरीय पर देखा जाए तो राजनगर प्रखंड के खिलाड़ी सबसे ज्यादा इस मैदान में खेलते हैं। टीम भी उतारते हैं अलग अलग टीम में जुड़ जाते हैं। पिछले कल ग्रुप ए में भी आज ग्रुप ए में भी सबसे ज्यादा प्रखंड स्तर पर देखा जाए तो राजनगर प्रखंड के खिलाड़ी और गोलकीपर ज्यादा तक खेले। तो ऐसा क्या कारण है कि राजनगर प्रखंड के खिलाड़ी का तरस गया? आँख तरस गया मेरा। एफसी स्ट्रिंग ब्लॉक के बीच जो प्लांटिंग शूटआउट हुई उसमें स्ट्रिंग ब्लॉक टीम की खेल को जीत मिली। नियमान का प्लांटिंग हुई ना हमारे तो स्ट्रिंग ब्लॉक टीम को जीत कर रखना। टावर हमरा अभी भी टावर के साथ में बोल सही जगह पर बोल को डाले अच्छे कदम चेटे फिर से टावर के लिए बोल को डाला गया। अच्छी जगह पर बोल लिया पॉइंट कारगिल मुखी क्या करते हैं। अच्छी एरियल बोल दमदार शॉट रिबाउंड शॉट बहुत गजब का लगाते चेतन लेकिन इस बार चलिए हाथ सारा तो मौका बन सकती है चार नंबर के लिए। विशाल बोल को ज्यादा देर तक अपने कब्जे में रखने में नाकाम रहा। अच्छी कंट्रोल है पर अर्जुन के द्वारा विश्व रोहित शाह पर